जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से नॉलेज G24 में स्वागत है। आज का वीडियो बीपीएससी टीआरई 2.0 से और साथ ही 1.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि आप लोग अभी थंबनेल पे भी देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्कूल आवंटन लिस्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उस परेशानी का सॉल्यूशन आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा, और साथ ही किन किन डिस्ट्रिक्ट का स्कूल अलाटमेंट लिस्ट जारी कर दिया गया, और साथ ही आपका अभी तक मिला या नहीं, या नहीं मिला तो आपका फिर कब तक मिलेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इसके साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन मिल सके। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उनको मैंने बताया था कि शाम तक बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका अलॉटमेंट लिस्ट आने वाला है, और वैसे में जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका भी अभी तक नहीं मिल पा रहा है तो उनका बार बार कमेंट आ रहा था। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन कमेंट का सारा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो देखिए जैसा मैंने आप सभी को बताया बिल्कुल सही था, उन सारे डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट हो चुका है। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं, अपडेट बीपीएससी टीआरई 2.0 से बाहर शिक्षकों का जिला वाइज स्कूल आवंटन का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही तकनीकी समस्या के कारण कुछ जिलों का जारी नहीं हो पा रहा है, सॉफ्टवेयर धीरे धीरे कार्य करने लगा है। कुछ जिले यहां पे देख सकते हैं, जिले का यहां पे हो गया है, जैसे नवादा, दरभंगा, पूर्णिया अभी अभी हुआ है, और साथ ही मैं बात करूँ तो आज 2 से 3 घंटे में भी जिले का जारी हो जाएगा। देर रात्रि तक 8 से 10 जिलों का जारी होने की संभावनाएँ शिक्षा विभाग के द्वारा जताई जा रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथ ही शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक जिले का जारी हो जाए, मगर तकनीकी समस्या भी आ रही है। धैर्य रखें, कल तक सभी का हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि स्कूल आवंटन जो है 29 को ही अप्रोक्स 10 जिलों के आसपास कर दिया गया, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण आप सभी के बीच जारी नहीं हो पा रहा है, और आप लोग समझते ही होंगे कि तकनीकी समस्याएँ क्या होती है। तो देखिए ऐसे में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे बताया कि आप सभी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, तो ऐसे में नहीं हो पाया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे जो कामें की जा रही है उसमें जब त्रुटि आ सकती है, तो मेरा तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जो मैं शेयर करता हूँ वो शिक्षा विभाग से जो अपडेट आती है वही मैं बताता हूँ। तो जब सिस्टम में ये अगर त्रुटि है तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो शेयर कर रहा था इन्फॉर्मेशन राइट था, लेकिन जिस कारण से नहीं आ पा रहा था वो आप लोग अभी देख ही चुके हैं, और फाइनली देखिए आज रात तक भी आने की संभावना। तो क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चे जो होते हैं अभी साइट बहुत ज़्यादा सर्च करते होंगे, और साथ ही एक बार में ज़्यादा साइट पर लोड दे दिया जाए तो क्रश करने का डर रहता है। तो इस कारण से जो शिक्षा विभाग है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सॉफ्टवेयर को रन करवा रही है, और जिसके तहत रात तक में भी आने की कुछ संभावनाएँ बन रही है। तो जैसे ही आएगी मैं आप सभी को ज़रूर अपडेट करूँगा, और साथ ही सबसे पहले अगर आपको अपडेट चाहिए तो ट्विटर पे नॉलेज G24 को फॉलो करिए, आपको वहाँ पे सबसे पहले मिलेंगे, और साथ ही टेलीग्राम पे नॉलेज G24 को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले वहाँ पे PDF मिल सके। तो इसी के साथ हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ आते हैं, और अभी 1-2 जिलों का आने की संभावना है। अभी भी मैं ग्रुप में शिक्षा विभाग के ऑफिशियल ग्रुप में मुझे मिला है, तो चलिए जैसे ही अलॉट होगा मैं आप सभी को ज़रूर अपडेट करता हूँ 1 घंटे के अंदर। तो तब तक के लिए जय हिंद।